ने की राहुल के बयान की निंदा जी है, लोकतंत्र पर सवाल कर देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने। सीएम धामी ने कटाक्ष किया है राहुल गांधी पर, विदेश में अपने ही देश को बदनाम किया गया, ये कहा है सीएम धामी ने। और कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र की जनता का अपमान किया है, विदेश की धरती पर जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने। धामी ने कहा है कि राहुल ने विदेश की धरती पर अपने ही देश को बदनाम किया, भारत का लोहा विश्व मान रहा है लेकिन राहुल है कि बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। ये सीएम धामी ने सीधा सीधा राहुल गांधी के उस बयान पर टिप्पणी की है जो कि उन्होंने बाहर यानी कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के दौरान अपने भाषण के दौरान भारत पर लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। और इसी पर अब सीएम धामी ने राहुल को घेरा है और कहा है कि राहुल को देश की जनता माफ नहीं करेगी। साफ साफ कहा कि भारत का लोहा विश्व मान रहा है लेकिन राहुल है कि बेइज्जती करा रहे हैं। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। एक तरफ आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, भारत की वैश्विक पहचान बनी है, भारत का विश्व में मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की जो बातें हैं वो गंभीरता से पूरा विश्व आज सुन रहा है और उसके अनुसार आगे भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशों की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियाँ उड़ाते हैं। निश्चित रूप से यह जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विदेशी ताकतों के और कुछ लोगों के कहने के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र हिल नहीं सकता, उसकी जड़ें मजबूत हैं, समृद्ध हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।